हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट वन लिपस्टिक जो बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। ब्रांड इट्सेल्फ, उसमें जो प्रोडक्ट हैं काफ़ी इनएक्सपेंसिव हैं और जो उनके रेंज है वो भी काफ़ी बड़ी है। जो प्रोडक्ट दैट आई एम शोइंग टुडे टू यू गाइज इज द मैट लिप अल्ट्रा स्मूथ लिक्विड लिपस्टिक। तो दिस इज़ द वन और ये है स्विस ब्यूटी की। सो दिस इज़ मैट लिपस्टिक एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑन माय लिप्स एंड दिस इज़ द शेड पर्पल विलन बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ पर्पल शेड्स। मुझे अपने ऊपर पर्पल शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड दैट्स व्हाई आई कीप बाइंग डिफरेंट जो ब्रांड हैं। बट ये जो लिक्विड लिपस्टिक है वो बहुत ही यू नो इनएक्सपेंसिव है। आई डोंट रिमेम्बर कि इसका जो MRP वो कितना है, बट राइट नाउ आई जस्ट चेक कि नायका पे इट्स अवेलेबल फॉर 149 बिकॉज वहाँ पे पिंक फ्राइडे सेल चल रही है आई थिंक। तो मे बी 200 होगा MRP। इफ़ यू गाइज हैव नेवर ट्राइड लिक्विड लिपस्टिक तो यू नो कभी ट्राई करना हो एंड यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट सो मच मनी ऑन जस्ट ट्राइंग अ प्रोडक्ट टू सी अगर आपको पसंद आता है या नहीं, तो उसके लिए आई थिंक लिक्विड लिपस्टिक के लिए ये ट्राई करने के लिए बहुत सही प्राइस पॉइंट है 149 में। तो दैट्स लाइक रियली गुड प्राइस फॉर द प्रोडक्ट इट्सेल्फ। मुझे लगता है कि इसका जो कलर पे ऑफ है इट्स रियली गुड। बट वन थिंग मुझे लगता है कि लिक्विड लिपस्टिक लगाने से पहले जो करना चाहिए दैट आई ऑल्सो कीप फॉरगेटिंग इज समटाइम्स वॉट आई डू इसी शेड की कोई जो नॉर्मल नॉट द लिक्विड लिपस्टिक नॉर्मल जो लिपस्टिक होती है उसको पहले लगा लें तो यू नो वो आपको हेल्प करेगा कि अगर थोड़ा सा पैची है अगर लिपस्टिक तो वो उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा। बिकॉज मैंने जब आज सुबह इसको लगाया बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम के बाद इसको लगाया तो आई फेल्ट कि यहाँ पे थोड़ा पैची हो रहा था बिकॉज मे बी आई वॉज रिकॉर्डिंग फॉर NR तो उसमें बोलने से भी काफ़ी वो हो जाता है एंड मे बी आई डेंट गिव एनफ टाइम फॉर इट टू ड्राई सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। बट द कलर पे ऑफ इज रियली गुड, यू गाइज कैन सी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये सी यहाँ पे पैची हो रहा है ऑन द कॉर्नर्स की साइड जो है पैची हो रहा है और उसके लिए मुझे लगता है कि अगर हम लोग पहले एक यू नो लिप लाइनर ही लगा लें और या जो कोई और लिपस्टिक है अगर हम लोग उसको लगा लें तो इट विल बी गुड कि अंदर इतना ज़्यादा पैची जब वहाँ पे वो यू नो कलर कम दिख रहा है कॉर्नर में तो वहाँ पे वो शायद कम दिखेगा। तो दैट कुड बी अ ट्रिक जो यूज़ करी जा सकती। अदर देन दैट इसमें जो शेड्स हैं वो और भी शेड्स हैं बहुत सारे तो आप उसमें से कोई ट्राई कर सकते हैं। जो इसका लगाने का एप्लीकेटर है वो भी अच्छा है, जैसे माई ग्लैम का एप्लीकेटर है वो अच्छा नहीं है बिकॉज दैट्स वे टू लॉन्ग तो उसमें आपका हाथ जो है वो यू नो यू आर नॉट एबल टू अप्लाई इट प्रॉपरली तो थोड़ा इधर उधर हाथ जाता है उससे। सो दैट इज़ व्हाई आई फील कि इसका जो एप्लीकेटर है वो अच्छा है एंड दिस इज हाउ इट इज़। इट्स नॉट टू लॉन्ग एंड नॉट टू स्मॉल टू, अगर थोड़ा स्मॉल हो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है इसके एप्लीकेटर। एंड जो पिगमेंटेशन है बहुत अच्छा है, फॉर मी द शेड इज़ रियली नाइस। इट हैज़ रेड्स एंड पिंक्स वो भी सारे हैं बट आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई वन लिपस्टिक जो कि पर्पल शेड था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड दैट इज़ व्हाई आई बॉट दिस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज एंड this is the liquid lipstick that we'll be getting if you order it, here it is। to dekhne mein bhi packing jo hai bahut achhi si hai, simple sleek packing hai, achhi hai to mujhe overall jo ye lipstick hai jo range hai inki wo bahut achhi lagti hai। that's all for this video guys,